हिमाचल विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीते दिन एग्जिट पोल जारी किए गए हैं, जिसमें ज्यादातर भाजपा की सरकार बनने का सर्वे सामने आया है, लेकिन कांग्रेस जीत दर्ज कराने का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि जो सर्वे आए हैं, चंद लोगों से बात कर ये सर्वे किया गया है, जबकि प्रदेश में सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिला है। भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, जबकि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। कर्मचारियों को ओपीएस देने का कांग्रेस ने वादा किया है, इसके अलावा रोजगार देने की बात भी कही है और जनता का समर्थन भी कांग्रेस को ही मिला है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल से भाजपा खुश होना चाहती है तो एक दिन खुश हो ले, एग्जिट पोल पूरी तरह से सही नहीं होते हैं, ये गलत भी साबित होते हैं। कांग्रेस का जो अपना सर्वे है उसमें प्रदेश में पुनः बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और 42 सीटें कांग्रेस जीत रही है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया गया है और 8 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे और प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे। कांग्रेस इसको लेकर पुनः रूप से आश्वस्त भी है। और क्या कुछ कहा नरेश चौहान ने, आइए सुनते हैं। मंत्री के लिए सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं जंग दिख रही है, जिस तरह से बायोडाटा मंगाया जा रहा है, क्या कहना? नहीं, ये कोई गलत है, ये कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है आपकी जानकारी सही नहीं है। मुख्यमंत्री बनेगा, चुने हुए लोग है, हम नेशनल पार्टी है, हमारे दल ऑब्जर्वर भेजेंगे, सभी से बातचीत की जाएगी, जो चुनाव चुने हुए लोग होंगे उनसे भी बातचीत होगी। पार्टी हाईकमांड तय करता है, ये कांग्रेस पार्टी कोई पहली बार नहीं कर रही, हर राज्यों में 70 साल से मुख्यमंत्री बना रही, एक सेट प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं। लेकिन बायोडाटा पहली बार मंगवाया गया? नहीं, कोई बायोडाटा नहीं मंगाया गया, ये आप मुझे, मैं इस बात पे पूरी तरह से स्पष्ट हूँ कि आपकी ये जानकारी गलत है। लेकिन एग्जिट पोल को लेके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ मत पड़ा है, 70% पोलिंग हुई है और 55 लाख के करीब यहाँ वोटर था। तो जब भी इतनी संख्या में वोट पड़ता है, और ये निश्चित तौर पे जो पुराना एक इतिहास है, जो तजर्बा है, वो ये बताता है कि सरकार के खिलाफ ये मत जाएगा, वोट फॉर चेंज होगा। और वो हमारे पास एक फीडबैक भी है, चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी, कार्यकर्ताओं द्वारा और जो हमारे नेताओं का सबका जो एक फीडबैक बना, और कांग्रेस पार्टी का अपना सर्वे भी है, उसमें साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। अपना सर्वे एग्जिट पोल में किसी चैनल ने कांग्रेस पार्टी को दिखाया, किसी ने भाजपा को एज दिया है, लेकिन एग्जिट पोल में क्या सैंपल्स रहे, किस एजेंसीज ने कैसे काम किया, मैंने बताया आपको 55 लाख लोग हैं, अगर सैंपल साइज 20,000 25,000 30,000 होगा तो उसमें ये एनालाइज करना इतना आसान नहीं है कि ये किस दिशा में चुनाव जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के क्या आपने सभी जिलाओं को कवर किया, तो ये अपने आप में एग्जिट पोल्स पे पहले भी क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं, जब भी एग्जिट पोल हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप अभी पंजाब की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो काफी चीजें फेल हुई है। एग्जिट पोल सिर्फ उस दिन तक होता है जब असली परिणाम आ जाते हैं, इस पे चर्चा बंद हो जाती है। तो हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। ये एग्जिट पोल से जो खुशी मनाने वाले हैं वो एक दिन की उनकी खुशी है, मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी 42 से ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी, ऊपर जाएगी, और हम एक बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ एक मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश को देने वाले हैं। तो जिस तरह से